करेंगे एरे के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट क्लास। देखो एरे क्या है और एरे का कॉन्सेप्ट का क्या जरूर है यहाँ पे हम लोग समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल मैंने नाम ले लिया एम, और इसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ। से मैंने असाइन कर दिया 12, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को यूज़ करते हुए। इसको मैं प्रिंट करता हूँ कौन सा ए वेरिएबल को। तो यहाँ पे देख सिंपल सा बात है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी टेक अभी चाहते हो कि मैं ये जो वेरिएबल ए है इसमें मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है। मतलब क्या कि मुझे मतलब 12 भी स्टोर करना है, 45 या जो भी हो, इस तरह से मुझे मल्टीपल वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे तीन वैल्यू मैंने दे के रखा है, 12, 45, 56, इस तरह से मल्टीपल। लेकिन ये पॉसिबल है क्या इस तरह से? लेकिन मैं अगर यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे इरोर हो गया। ये तुमको पता है अगर इरोर होता है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये एक तरह से ये इरोर है, क्योंकि जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना होता है तो इस तरह से नहीं होता है। तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब क्या है कि मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यही होता है एरे, इसी को बोलते हैं एरे। एरे मतलब कि एरे के कॉन्सेप्ट, एरे एक तरह का वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन एक एरे वेरिएबल में वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। जैसे यहाँ पे 12, 45। और ये जरूरी नहीं है कि एरे वेरिएबल में तुम सिर्फ ही एक ही टाइप का वैल्यू स्टोर करोगे, तुम कोई भी टाइप का डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया, मतलब नंबर टाइप का मैंने, और एक तुम्हारा समझ लो कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लिया, बुलियन टाइप के मैंने वैल्यू ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से तुम मल्टीपल टाइप का भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे रन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे तीनों अलग अलग टाइप का डाटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो एरे मतलब सिंपल बात वही है, एरे एक वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एरे को यहाँ पे एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, जस्ट लिखना है जैसे पहले लिखा था बाहर, उसके बाद वेरिएबल का नेम, एरे वेरिएबल का नेम होगा। उसके बाद एरे इसको इंडिकेट कराने के लिए तुमको यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये एरे है, तब तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो समझ में आ चुका है एरे क्या है। अभी एरे में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मुझे जैसे यहाँ पे शो करवाना है, तो वो तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखिए, अभी जस्ट ए लिख दो तो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इन इस एरे में से यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी बाई डिफॉल्ट में एरे में जितना भी वैल्यू है हर कोई वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ एक या दो वैल्यू या तो एक वैल्यू पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को मुझे शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो एरे में होता क्या, और एक बात, जो भी वैल्यू स्टोर होता है उसका अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है। जैसे जब सबसे पहला वैल्यू होता है उसका इंडेक्स पोजीशन होगा तुम्हारा जीरो। मतलब पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन जो है वो जीरो से शुरू होता है। तो अगर इसका इंडेक्स पोजीशन जीरो होगा तो इसका वन, इसका टू, इस तरह से तुम यहाँ पे जितना चाहे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फिलहाल मैंने तीन ही वैल्यू लिया है यहाँ पे, तो सब वैल्यू का अपना एक इंडेक्स पोजीशन होगा। जैसे और वो पोजीशन कहाँ से शुरू होगा, जीरो से। तो इसका पोजीशन क्या है, वन। तो मुझे इसको ओनली 12 प्रिंट करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करते हुए और उसका पोजीशन मैं यहाँ पे दे दूंगा जैसे जीरो। अभी इसको मैं तुमको रिलोड करके दिखाता हूँ, देखो ओनली यहाँ पे 12 प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसको ओनली ट्रू प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स पोजीशन टाइप करूँगा। तो अगर ये जीरो हुआ, ये वन हुआ, तो ये क्या होगा, टू होगा। तो टू लिखने से यहाँ पे प्रिंट आउट क्या आएगा, ट्रू। मतलब इस तरह से तुम किसी भी वैल्यू का जो इंडेक्स पोजीशन है उसको यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर वैल्यू को तुम प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एरे को प्रिंट करना समझ लिया। तो एरे का जो अगर इंडेक्स पोजीशन तुम यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू तुम्हारा जितना भी वैल्यू है सब यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी एरे में जितना भी वैल्यू है इन सब वैल्यू को तुम इस तरह से डायरेक्ट एक ही तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को यूज़ करते हुए शो करा सकते हो, या तो तुम चाहते हो कि इन वैल्यूज़ को मुझे और एक अलग तरीके से, मतलब एरे में जितना भी वैल्यू है सब वैल्यू मुझे शो कराना है, लेकिन इस तरह से नहीं, मतलब कि मुझे उसके साथ मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करना है। मतलब समझ लो कि 12 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी क्या हो रहा है, 12 डाटा कॉम ट्रू जो भी हो रहा है ये एक ही साथ एक ही लाइन में कॉमा सेपरेट होके आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको अलग अलग लाइन में लिखना है, या तो इसके साथ दूसरा कोई स्ट्रिंग मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। तो फॉर लूप भी वही करेगा, हर वैल्यूज़ को यहाँ पे आउटपुट में लेके आएगा, प्रिंट में प्रिंट करेगा, लेकिन उसके साथ तुम अलग सा स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो या तो उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। जो चलो तो इसको फॉर लूप के थ्रू अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर लूप तुम लोग को पता होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर। और उसके बाद यहाँ पे तुम लोग को पता है तीन चीज़ होगा, एक इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम तुम भी कुछ भी ले लो। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया आई मैंने, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू मैं इसको इनिशियलाइजेशन करता हूँ जीरो से, इसको मैं जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ। और आई जो है ये कब तक चलेगा, मतलब ये लूप कब तक चलेगा, मैंने इसको लूप का मैंने वैल्यू दे दिया थ्री, ठीक है।
अच्छा मैंने थ्री क्यों दिया मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और इसके बाद यहाँ पे मैं ये कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करते हुए ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो ए है इसको मैं यहाँ से कट करते हुए मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया मैंने। अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर ब्रेस देते हुए यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा आई, ठीक है। अच्छा मैं समझा रहा हूँ, अभी देखो फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो मतलब आई का काउंट कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, वो कहाँ तक चलेगा, स्मॉलर देन थ्री मतलब टू तक चलेगा डेफिनेटली। तो आई कब तक चलेगा, टू तक चलेगा, जीरो वन टू आई प्लस प्लस, तो आई इंक्रीमेंट होगा, वन होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, टू होगा, उसके बाद क्या होगा, थ्री। जब थ्री हो जाएगा ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है शायद यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ मैम। अच्छा अभी देखो ना, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, जैसे अभी देखो अभी इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, उससे पहले ये समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, इसके अंडर मैंने क्या दिया, इसका बेकस के अंदर मैंने आई लिख दिया। तो मतलब आई क्या है, आई इसका बात हो रहा है, मतलब ये काउंटिंग हो रहा है, मतलब पहले आई यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर ए आई मतलब ए आई तुमको समझ में आ रहा है ना, तो कौन सा प्रिंट होगा, तो ए का जो एरे का जो पहला जीरो जीरो पोजिशन में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा, तो ठीक है, मतलब 12 प्रिंट होगा। फिर ये लूप फिर से चलेगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा ना, तो ए वन हो जाएगा, तो ए वन मतलब डाटा कॉम प्रिंट होगा। फिर ये लूप चलेगा, आई इंक्रीमेंट होगा, थ्री होगा, ए टू होगा, तो ए टू होगा यहाँ पे, तो ए टू क्या है, ट्रू है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब क्या, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, तो आई कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सो थ्री इज़ नॉट स्मॉलर देन थ्री, तो ये लूप तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर इसके बाद उससे साथ साथ ये तीनों वैल्यू तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार सेव कर लूँ और यहाँ पे रन करूँ। देखो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू, ये देखो ये यहाँ पे तीनों वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, तीनों वैल्यू प्रिंट तो हो रहा है, 12 डाटा कॉम और ट्रू, ये तीनों प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक साथ मतलब बिना कोई स्पेस का प्रिंट हो रहा है। तो तुम चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हो या तो एक न्यू लाइन लगा सकते हो। तो मैं न्यू लाइन कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दे देना तुम, प्लस दे देना, और उसके बाद तुम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग HTML का BR टैग यूज़ कर देंगे, तो ये हर कोई जो वैल्यू है न्यू लाइन में आ जाएगा, जैसे 12 डाटा कॉम ट्रू में आ गया, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह से डिस्प्ले करा के मतलब एक उसको अलग तरीके से मतलब फॉर्मेटिंग करके डिस्प्ले करा है। पहले क्या होता है, एक ही लाइन में कॉमा सेपरेट होकर डिस्प्ले हो रहा था, अभी हम लोग एरे में जितना भी वैल्यू है उसका अपनी मर्जी से अलग लाइन में या तो सेम लाइन में या तो इस तरह से हम लोग उसको मतलब थोड़ा फिनिशिंग करके उसको हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसको थोड़ा मतलब फर्निशिंग करते हुए। मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पे जो भी वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है ये सब के आगे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं लिस्ट की तरह उसको डिस्प्ले करा दूँ, लिस्ट की तरह लाइक लिस्ट, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बस मुझे ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा तब। तो लिस्ट की तरह अगर मुझे इसी को डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, मैं एक काम करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो तुम लोग को जिन लोग को HTML पता है, HTML में एक तुम्हारा क्या होता है कि एक टैग होता है UL क्या, उसके लिए उसको वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये HTML का टैग है, तो हम लोग ये पूरा का पूरा जितना भी तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट आएगा इसको हम लोग लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो UL यहाँ पे शुरू किया, UL यहाँ पे ख़त्म किया, और ये मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के क्यों लिख रहा हूँ पता है तुम लोग को, यहाँ पे हम लोग स्किप के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट UL लिखना गलत होगा, स्किप के अंदर हम लोग अभी है इसीलिए डायरेक्ट UL लिखना गलत होगा, इसीलिए इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब को मैंने UL के अंदर रख दिया, और UL के अंदर ये सब एक एक क्या होगा, लिस्ट आइटम होगा। तो यहाँ पे UL के अंदर एक एक लिस्ट आइटम है, तो क्या करेंगे इस बार यहाँ पे हम लोग BR नहीं लगाएंगे, यहाँ पे LI लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं LI को क्लोज करता हूँ और इधर से मैं LI को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। LI को मैंने इधर से क्या कर दिया, और हालाँकि ये तुम्हारा HTML का है तो मुझे इसको ये डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये सभी जो आइटम से इसी तरह के आएगा, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे 12 डॉट कॉम टू इस तरह से आ रहा है। मतलब इस तरह से हम लोग उसको फॉर्मेटिंग करते हुए डिस्प्ले करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं वेरिएबल एरे में जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो एरे को डिक्लेयर करने का तो यहाँ पे एक्चुअली मेन टॉपिक है हम लोग का एरे, हम लोग एरे को समझ रहे हैं। तो एरे के मतलब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करने का और एक तरीका भी होता है, एरे डिक्लेयर करने का और एक तरीका है। तरीका क्या है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो इस तरह से हम लोग पहले से ही एरे का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। तरीका ये है कि मैंने तो एक वेरिएबल ले लिया ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू
एरे, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करते ही एक न्यू एरे क्रिएट हो जाएगा, मतलब ब्लैंक एरे है अभी, ठीक है। अभी क्या है, एरे ब्लैंक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं जस्ट ये वाला पार्ट, सॉरी मैंने इसको तो लिया ही नहीं, हाँ तो इसको मैं उठाता हूँ, इसको चखना है मुझे। मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ document.write, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। तो एरे को प्रिंट करने के क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एरो है, क्योंकि अभी ये मैं जो एरो मैंने बनाया है, ये एरे के अंदर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू तो असाइन करना होगा ना, अभी तो एरे खाली है। मैंने इस तरह से भी हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। वेरिएबल ए उसके बाद न्यू एरे लिखना है, तो ये भी एक तरह से एरे डिक्लेयर। अभी एरे के अंदर वैल्यू क्या होगा, उस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग वही इस तरह का तुम्हारा जो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। मतलब एरे का जो सबसे पहला पोजीशन का वैल्यू क्या होगा, मतलब सबसे पोजीशन तो हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो उसमें क्या वैल्यू रखना है। जैसे मैंने 12 असाइन कर दिया, उस तरह से ये जो एरे है इसका सेकंड पोजीशन में क्या रखना है तुमको वैल्यू। देखो एरे पहले डिक्लेयर हो चुका है, उसके अभी सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पोजीशन होगा उसमें तुमको क्या वैल्यू असाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया डेटा कॉम वही जैसे मैंने पहले था, ठीक है। और इसका जो थर्ड है उसमें मुझे क्या वैल्यू असाइन करना है, वो भी तुम यहाँ पे इस तरह से पोजीशन देते हुए यहाँ पे असाइन कर दो वैल्यू को। मैं ये दे दिया, समझ लो यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने, वो एक बुलियन वैल्यू असाइन कर दिया। तो अभी देखो इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे रिलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी मतलब ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है किसी एरे को डिक्लेयर करने का, पहले एक तरीका था अभी एक तरीका है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, इस तरह से करने से अभी तुम फ़ायदा क्या है कि देखो एरे को वैल्यू हम लोग इस तरह से करने से होता क्या है कि हम लोग एरे में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पहले से ही असाइन नहीं करेंगे, पहले तो एरे को डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद यूज़र से वैल्यू लेते हुए एरे में असाइन कर देंगे। ये भी ये यहाँ इसका एक एडवांटेज है, यूज़र से वैल्यू लेते हुए उस वैल्यूज़ को हम लोग बाद में क्या करेंगे, इस एरे में असाइन कर देंगे। एरे डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वैल्यू लेना है यूज़र से, तो कैसे लेंगे यूज़र से वैल्यू, तुम लोग को पता है यूज़र से वैल्यू कैसे लेना है, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग एक लूप चला देंगे, लूप के थ्रू ही हम लोग यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो लूप चलाने के लिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको कॉपी करके लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे और ये जो लूप चलेगा और ये वाला इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, चलो इसको थोड़ा नीचे डालता हूँ, हाँ, और थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि दिख जाए तुम लोगों को, हाँ। तो लूप के थ्रू हम लोग यहाँ पे वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे ये करता हूँ और ये इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, कि मैंने इसको हटा दिया। ये एआई को यहाँ से कट करते हुए मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दूँगा, मैंने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक सेकंड रुको, हाँ तो ठीक है, क्या करना है हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ सॉरी मुझे ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल हाँ एरे में मुझे वैल्यू असाइन करना है यूज़र से लेते हुए। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं करना हम लोग को क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करना है, पहले तो वैल्यू के असाइन कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए यहाँ पे एरे आई लिखेंगे, इक्वल देंगे, मतलब ठीक है ये, मतलब ये फॉर लूप के अंदर चलाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, कौन सा प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट, तुमको पता है इसके बारे में। एंड यहाँ पे हम लोग देंगे एंटर, लिखेंगे एंटर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको एंटर द वैल्यू, जो भी लिखो मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर द वैल्यू, ठीक है, एंटर द वैल्यू। तो उसके बाद ठीक है, तो इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं, मतलब जो भी मतलब लूप चलाएंगे और ये लूप के हिसाब से ये कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक है, 0, 1, 2 तीन बार चलेगा और तीनों बार जैसे मांगा जाएगा, प्रॉम्प्ट किया जाएगा एंटर द वैल्यू, और जो भी वैल्यू आएगा वो एरे का उस पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं हम। अच्छा, उसके साथ साथ रन करने समझ में आएगा नहीं क्योंकि उसके साथ मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी को कॉल कर देंगे, मुझे अलग से नहीं लिखना है। ये जो है मैंने इसको जो कॉमेंट किया था, इन सब को जो मैंने कॉमेंट किया था, इसको मैं अनकॉमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सबको मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ, चलो। तो उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है, मतलब क्या होगा, ये आई चला देंगे यहाँ पे, ये आई के यहाँ पे चला देंगे हम लोग। चलो तो रन करते हैं इसको, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहला वैल्यू मांग रहा है जैसे मैंने दे दिया 12, उसके बाद फिर से ओके करेंगे, फिर से सेकंड वैल्यू के लिए मांग रहा है जैसे मैंने बोला अनिल
फिर से ओके करेंगे, फिर से वैल्यू मांग रहा है, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 45 और ओके करेंगे, तो देखो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रिंट हो रहा है इस कोड की वजह से और एरे में वैल्यू स्टोर हो रहा है इस पर्टिकुलर कोड की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग एरे में वैल्यू को एक्सेप्ट करते हुए एरे में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये भी एक तरीका है एरे का वैल्यू को प्रिंट कराने का। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया एरे का, इतना सारा बातें। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया तुम्हारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब क्या है कि एरे के अंदर एरे होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एरे, तो उसको कैसे करना है मैं यहाँ पे कोडिंग करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर तुमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो पहले तो मैं ये जो है ये फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटाता हूँ। पहले मैं ये जो पहले तो इतना सारा पार्ट को मैं ये कर लूँ। अच्छा, ये सब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलो नया से करेंगे हम लोग, अभी सीखेंगे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तरीका वही होता है जैसे तुम लिखो वेरिएबल। मैंने वेरिएबल लिखा, ए लिखा, ठीक है। तो इस बार मल्टी डायमेंशनल एरे, तो इस बार क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू देंगे, लेकिन इस बार स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फिर से मैंने और एक ले लिया, दो दे लिया, मतलब कॉमा किया मैंने, फिर से और एक ले लिया, समझ लो मुझे। मतलब क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे का, मतलब क्या है एरे के अंदर एरे, मतलब पहले तो एक एरे बनेगा उसके अंदर फिर और एक एरे, ठीक है। पहले तो ये पूरा का पूरा जो मेन एरे हो गया उसके अंदर फिर क्या होगा, इसका अंदर में इनर एरेज होगा। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहला जो ये वाला पार्ट को मैं फिलअप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अनिल, ठीक है। मैंने नेम, अच्छा मैं मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग देना होगा अनिल लिखने से, अनिल समझ लो मैंने तीन वैल्यू दिया, नेम दिया और उसके बाद उसका एज दे दिया और उसके बाद मैंने दे दिया समझ लो वो क्या कोर्स कर रहा है, मैंने दे दिया जावा, ठीक है, जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं वही तीन वैल्यू में डालता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करते हैं पेस्ट कर दूँगा, जस्ट वैल्यू चेंज कर दूँगा मैं यहाँ पे, एंड इसको मैंने यहाँ पे ये इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया। वैल्यूज़ को जस्ट चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैंने दिया राजू, ठीक है, उसका एज देंगे 23 और यहाँ पे कोर्स का नेम चेंज कर देंगे, मैंने बोला PHP। फिर यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देंगे, मैंने बोला पूनम, और फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया 34, इसका कोर्स मैंने दे दिया पाइथन। चलो, तो ये हो गया एरे के अंदर एरे। तो इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे देखो मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको प्रिंट कराएंगे। मैं पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ document.write, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एरे, ए मतलब क्या है, वही एरे है जो मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो देखो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, मैं अगर डायरेक्ट इस तरह से लिख दूं, लेकिन ये तो वैल्यू जितना भी वैल्यू है सब प्रिंट हो रहा है, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट ऐड कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिक्सअप होकर प्रिंट हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे पहला एरे के अंदर ये हो गया पहला एरे, वो प्रिंट हो रहा है, फिर ये सेकेंड एरे, वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये फिर थर्ड एरे हो गया, वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिक्सअप हो गया, खिचड़ी जैसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला रो प्रिंट हो अनिल जावा, अनिल 13 इस तरह से, सेकेंड अनिल 13 जावा, उस तरह से सेकेंड रो प्रिंट हो राजू 23, ये अलग लाइन में आ जाए, ये अलग लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वही फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर में, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को फॉर लूप चलाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नेस्टेड फॉर लूप चलाना होगा, मतलब डबल फॉर लूप यूज़ करना होगा, दो दो फॉर लूप। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल का नेम ले लिया, फॉर घर क्या लूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी ले लूँ, मैंने ले लिया आई ले लिया, ठीक है। तो शुरू करेंगे जीरो से, वही शुरू होगा जीरो से, उसके बाद कहाँ तक चलेगा, टोटल वैल्यू कितना है यहाँ पे मेन एरे के अंदर, टोटल वैल्यू कितना है देखो, मेन एरे के अंदर एक है, उसके बाद दो है और उसके बाद ये तीन है। तो यहाँ पे हम लोग आई, मतलब तीन वैल्यू है, तो इसमें कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे, आई स्मॉलर देन थ्री, मतलब 0 1 2 3 3 लेने से कितना होगा, 1 2 तो चलेगा, 2 तो चलेगा, तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मुझे कॉमा देना नहीं है, यहाँ पे सेमी कॉलन देना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये एक लूप चलेगा, मतलब पहला जो लूप चलेगा वो मतलब मेन एरे के लिए, फिर मेन एरे के अंदर जो सब एरिया, मतलब ये इसका बात हो रहा है, इसके लिए हम लोग और एक लूप चलाएंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग फिर से और एक लूप लेंगे, मैं इसी को ही कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस मैं जस्ट सिंटेक्स को मतलब ये सब लेटर्स को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, मतलब दो लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई के जगह पे मैंने ले लिया जे, ठीक है, और ये भी मैंने ले लूँगा जे, यहाँ पर मैंने इसको भी ले लिया जे, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया जे प्लस प्लस। चलो अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बार एरे को मुझे करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एरे के लिए क्या किया था, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास वो सिंग वन डायमेंशनल एरे था, अभी मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो पहला जो इंडेक्स पोजिशन इसमें, पहला जो वेरिएबल मतलब पहला कौन सा वेरिएबल का नाम यहाँ पे असाइन करेंगे हम लोग आई, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिर से और एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जे, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो पहला जो फॉर लूप है, पहला फॉर लूप मेन जो वैल्यूज़ है, ये मेन जो मतलब एरे के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको चलाएगा, उसको लूप लूप में चलाएगा। मतलब फॉर आई इक्वल टू जीरो मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू जीरो इसका बात हो रहा है। फिर इसके अंदर और एक लूप चलेगा, पहले तो इसको उसने उठा लिया फॉर आई इक्वल टू जीरो, इसको उठाया, फिर इसके अंदर तीन वैल्यू है ना, तो उन तीनों वैल्यू के लिए फिर से वो और एक लूप चलाएगा। तो पहला एरे को उठाओ और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके लिए और एक लूप चलाओ और उन वैल्यूज़ को प्रिंट करो, तो हो गया। फिर ये सेकेंड वैल्यू में चला जाएगा, मेन रो के अंदर, मेन एरे के अंदर सेकेंड वैल्यू उसमें चला जाएगा, उसको उठाएगा, उसके अंदर का वैल्यूज़ को इस तरह से सेकेंड लूप के थ्रू प्रिंट कराएगा, फिर ये थर्ड का होगा। तो जस्ट एक बार देख लो, मैं एक बार यहाँ पर इसको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ वही बात हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है आ नहीं रहा है कि एक ही लाइन में प्रिंट हो जा रहा है ना, तो बात कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बी आर लगा देंगे, जब तो बी आर नहीं लगाएंगे तब ये ऐसे ही आता रहेगा। मतलब पहला रो प्रिंट हो जाए उसके बाद एक बी आर आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, एक बी आर मतलब तुम्हारा ये मतलब लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बी आर लगा दिया, मतलब ये तो ये पहला ये इसके बाद मैंने लगाया, ठीक है, इस इनर लूप के बाद नहीं, इनर लूप में नहीं, मैं आउटर लूप में मैंने ये बी आर लगा दिया। मतलब एक वैल्यू, एक रो प्रिंट होगा फिर बी आर होगा, न्यू लाइन आएगा, फिर सेकंड रो प्रिंट होगा, न्यू लाइन आएगा, फिर थर्ड रो प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन आएगा। मैं इसको जान करके दिखाता हूँ, लाइक बी सी देखो, ठीक है, अनिल जो भी हो, इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग उसमें भी प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा समझ लो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बाद में और भी अच्छी तरीके से मतलब और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग करते हुए इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, इसका मतलब फिनिशिंग करते हुए, यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करते हुए मैं दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे देखो, समझ लो कि अभी तो एक बात हो गया कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर, मतलब ये क्या है मल्टी डायमेंशनल एरे, क्योंकि यहाँ पे तीन रो है, उसके बाद तीनों रो में तीन तीन वैल्यू है। देखो ये अनिल, एक 13, एक जवा, तीन तीन अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक काम हम लोग कर सकते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे अच्छा वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे अभी देखो मुझे सिंगल ओनली, तो इसको मैं पूरा कमेंट कर लेता हूँ। चलो मैं इसको पूरा क्या कर लेता हूँ, एक बार मैं यहाँ से ये मेरा लूप चला था ना, इसको मैं पूरा कमेंट कर लेता हूँ। चलो मैं चाहता हूँ कि इस एरे में से, अभी मल्टी डायमेंशनल एरे में से मुझे क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल एरे में से मुझे सिंगल वैल्यू प्रिंट कराना है, सिंगल वैल्यू या तो सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट, मतलब मतलब समझ लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सब वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रहा है जितना भी है अलग अलग रो के हिसाब से, लेकिन मुझे सिर्फ ओनली अनिल को प्रिंट करना है, या तो ओनली पाइथन प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर इस बार लूप नहीं, क्योंकि मुझे जब सिंगल वैल्यू प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट लाइट, उसके बाद मैं ये जो एरे है, एरे का नाम क्या है, ए हो गया, और फिर इसका जो इंडेक्स पोजीशन होगा, जैसे समझ लो अनिल, अनिल के लिए इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, अनिल मेन रो के अंदर पहला इंडेक्स, ये जो है ये मेन मैं रो बोल रहा हूँ, मतलब पहला एरे, मेन एरे के अंदर ये पहला वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है। तो पहला वैल्यू का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा मेन रो के अंदर, मेन एरे के अंदर जीरो होगा। फिर इस जीरो में, इसमें अनिल कौन सा पोजीशन में आ रहा है, मतलब इसका इनर एरे में अनिल कौन सा पोजीशन में आ रहा है, जीरो में आ रहा है। सो जीरो, और ये भी क्या होगा, जीरो, मतलब जीरो का ये जीरो। तो इसको अगर मैं प्रिंट करके दिखा दूँ, देखो तुम, सिर्फ अनिल प्रिंट होगा।
समझ लो मुझे यहाँ पे राजो पिन करना है, तो क्या होगा, वन का जीरो होगा, राजो पिन करना है तो वन का जीरो, पूनम पिन करना है तो क्या होगा, टू का जीरो होगा, समझ में आ रहा है बात, मैंने इसको सेव कर दिया तो ये टू का जीरो हो रहा है इस तरह से। समझ लो मुझे यहाँ पे PHP प्रिंट करना है तो टू का ये जीरो वन टू, टू का टू होगा, मुझे क्या करना है PHP प्रिंट करना है, टू का नहीं वन का होगा ये, तो वन का टू ये, तो ये ज़ीरो ये वन और वन का क्या है ज़ीरो वन टू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा PHP प्रिंट होगा, सेव करते हैं ये PHP लाइक दिस। तो इस तरह से तुम यहाँ पे सिंगल वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे में से। अच्छा मल्टी डायमेंशनल जो एरे है उसको हम लोग, अच्छा जैसे थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पे किया था ये जो है इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सब कुछ कंट्रोल, जैसे यहाँ पे देखो कि जब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं तो इस तरह से हो रहा है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब थोड़ा थोड़ा देर पहले जैसे मैंने बोला था कि इसको टेबुल ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, मतलब समझ लो कि मुझे इसको टेबुलर फॉर्मेट में जो इसके प्रिंट कराना है तो कैसे कराऊँ मैं इसको, तब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी एक से मिक्स होकर आ रहा है ना, हालांकि ये अलग अलग लाइन में आ रहा है लेकिन हर लाइन में जितना भी वैल्यू है सब मिक्स होकर आ रहा है, तो चलो मिक्स मतलब क्या, मतलब विदाउट स्पेस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको टेबुलर फॉर्मेट दिखाना है मुझे, तो उसके लिए देखो क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो कोडिंग तो मेरा यही रहेगा, जैसे यहाँ पे जस्ट हल्का सा मैं मॉडिफाई करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ये सब को मैं एक टेबल के अंडर डाल दूँगा, जैसे मैंने पहले UL LI का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इस बार मैं टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा टेबल टैग, जो तुम्हारा HTML का जो टेबल टैग है उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और तुम लोग को पता होगा टेबल टैग के अंदर क्या क्या हम लोग प्रॉपर्टी डालते हैं, एक हो गया बॉर्डर प्रॉपर्टी, और बॉर्डर मैंने जैसे दे दिया इसका बॉर्डर मैंने दे दिया समझ लो 2px, ठीक है इसका ये सब तुम दे सकते हो, कलर वगैरह इसमें मेरी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, मैंने बॉर्डर दे दिया 2px, और इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज सेल स्पेसिंग, बॉर्डर मैंने 2px दे दिया, उसके बाद इसका सेल स्पेसिंग करते हैं हम लोग, चलो सेल SPACING सेल स्पेसिंग मैंने दे दिया 0, ठीक है सेल स्पेसिंग मैंने दे दिया, सिंगल कोर्स के अंदर लिखना है यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। अच्छा पहला काम ये होगा, उसके बाद मुझे टेबल को क्लोज़ करना होगा, तो टेबल को क्लोज़ करने के लिए मैं इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे एकदम लास्ट में चला जाऊँगा, ये पूरा का पूरा जितना भी वैल्यू आएगा सब कुछ टेबल में आएगा ना, तो इसलिए टेबल को मैंने यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे मैंने टेबल को क्लोज़ कर दिया, समझ में आ रहा है, तो ये जो है ये सब मैं यहाँ से डिलीट करते हुए बस इस टेबल टॉक को मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा, ये तो टेबल टेक मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल के अंदर होता क्या है रो होता है, तो ठीक है मतलब क्या है देखो टेबल के अंदर क्या होता है रो, मतलब ये जो है ये एक रो को प्रिंट करा रहा है, बस समझ में आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है एक रो को प्रिंट करा रहा है, ठीक है मतलब रो के अंदर वैल्यूज़ को, ये क्या कर रहा है रो के अंदर, रो कौन, अच्छा ये जो पहला जो तुम्हारा फॉर लूप है ये पहला रो के लिए है कि नहीं, पहला फॉर लूप किसको उठा रहा है, इसको उठा रहा है, फिर इसको उठाया, तो पहला फॉर लूप इस पर्टिकुलर रो के लिए है, सेकंड और मतलब इस पर्टिकुलर ये मतलब रो इन रोज़ के लिए है, पहला जो फॉर लूप है इन तीन रो है तीनों रो के लिए होगा, तो मुझे ये तीनों जो है ये तीनों को मुझे क्या करना है टेबल के, ये तीनों टेबल में क्या आएगा टेबल के अंदर होता है क्या है रो होता है, तो टेबल रो में आएगा, ठीक है तो यहाँ पर मुझे टेबल रो का कोड यूज़ करना पड़ेगा, टेबल रो का TR का, ठीक है मैं कहाँ पर ये जो आउटर फॉर लूप है उसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको सेव करता हूँ तो तुम लोग देखते जाओ यहाँ पे कैसे आएगा, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा TR, ठीक है टेबल रो शुरू होगा, मतलब पहला टेबल रो होगा और ये टेबल रो कहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है फिलहाल मैं यहाँ से ये जो BR है इसको हटाते हुए मैं इसको TR कर दूँगा, ये जो मैंने किया इसको TR कर दिया, ठीक है तो ये एक टेबल रो, ये सेकंड टेबल रो, ये थर्ड, और टेबल रो के अंदर ये जो प्रिंट किसको करेगा ये वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे TD, टेबल के अंदर TD होता है, ठीक है तो उसके लिए ये डबल ये हम लोग ये कोड यूज़ करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे TD, और ये कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा इसको प्लस से, और यहाँ पे भी इसको प्लस से कॉन्कैटिनेट करते हुए यहाँ पे यह यूज़ करेंगे हम लोग TD, इसको TD को क्लोज़ करना है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे TD को क्लोज, ठीक है तो आई थिंक हो चुका है ये ऑलमोस्ट, टेबल रो टेबल TD, पहले तो हम लोगों ने टेबल रो टेबल लिया, उसके बाद टेबल रो ले लिया,
फॉर पहला फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अंदर टेबल रो बनाया और इनर जो फॉर लूप है उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, टी डी डाल दिया। तो चलो एक बार इसका हम लोग रन करके दिखते हैं तो क्या होता है, सेव करेंगे या रीलोड करते हैं। देखो पूरा का पूरा बढ़िया से टेबल का फॉर्म में आ चुका है, देखा ना। तो ये जो है मैंने टू पीएस लगाया, तुम बॉर्डर को अगर नहीं देना है तो तुम मत दो, जैसे ये तुम जैसे मैंने पे तो बॉर्डर तो हम लोग क्योंकि टेबुलर फॉर्म में शो कराना है इसलिए हम लोग बॉर्डर दे रहे हैं, लेकिन तुम ना भी दे सकते हो यहाँ पे बॉर्डर। अगर तुम यहाँ पे टू पीएस ना देते हुए समझ लो मैंने यहाँ पे इसको वन पीएस कर दिया, थोड़ा पतला कर दिया तो थोड़ा बेहतर लगेगा, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको टेबल का फॉर्म में भी शो करा सकते हैं, टेबल के फॉर्म में इसको शो करा सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। बाकी तो मैं यहाँ पे HTML का ये सब कोडिंग में सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में समझा रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इतना सही रहने दो आज के क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के क्लास में एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, उसका वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज तुम लोगों को सिखा दिया। तो आज का क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, ठीक है, ओके।